मुक्तेश परदेशी जी जो G20 के सेक्रेटरी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। सबसे पहले क्या क्या भारत मंडपम में इंतजाम है जो दुनिया के नेता देखेंगे? नहीं, सबसे पहले तो G20 समिट एक कॉन्फ्रेंस है, तो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो कॉन्फ्रेंस के अराउंड है। जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, उसमें कॉन्फ्रेंसिंग की मॉडर्न सुविधाएं प्रदान की गई है। ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की सुविधा है और लाउंज की सुविधा है। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके खाने पीने की सुविधा है, उनके आतिथ्य सत्कार की सुविधा है। कितनी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा है? ये डिपेंड करता है, कई राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अंग्रेजी भी कंफर्टेबल हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे ओर से 20 भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा और बूथ बनाया गया है। वहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए भी जोन बनाया गया है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस दुनिया के नेता लेंगे? और ख़ासतौर से हम बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री भी जिसका जिक्र करते हैं, वर्ल्ड लीडर को जाते हैं तो गीता देते हैं, सौंपते हैं, तो गीता का ज्ञान कैसे वहाँ ले सकेंगे लोग? नहीं, आपने शुरू में अच्छा कहा कि हम उभरते भारत की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, और उभरते भारत में डिजिटल इंडिया है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम डिजिटल स्पेस में एक अग्रणी देश के रूप में उभरे हैं, और इसमें जो तमाम विकास हुआ है उसको हम एक प्रदर्शनी के तरीके से वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। उस प्रदर्शनी का नाम है डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन। उसमें क्या होगा, 10 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, या तो आधार है, या संजीवनी है, या UPI पेमेंट है, कोविन है, इस सब के बारे में अतिथियों को बताया जाएगा। Zini.